Hey guys, good morning. So right now the time is 12 and फिलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ हिल्स का तरफ एंड प्लानिंग मेरे को कुछ पता है नहीं. दार्जिलिंग साइड भी चल सकते हैं या तो फिर मिरिक साइड भी चल सकते हैं. लेट्स सी कहाँ चलते हैं. एंड ऊपर से आज का वेदर जो है वेदर भी ठीक ही ठाक है. अभी तो मैं हूँ गोसाईपुर में. सो रिफ्यूल करवाते हैं आगे से एंड फिर आगे को निकल जाएंगे. सो इधर से पहले मैं चलूँगा खपरेल मोड़ एंड उधर से फिर जो रोहिणी रोड वाला जो रोड है वो मेरे को लेना पड़ेगा. सो वो रोड लेने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा खपरेल मोड़ से लेफ्ट. आज का ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है. 28 सितंबर को मैं गया था सिलीगुड़ी पे जैकेट राइडिंग गियर्स मेरा खरीदने के लिए राइडिंग जैकेट खरीदने के लिए. बट उधर पे राइनॉक्स का कोई जैकेट वगैरह मेरे को दिखा नहीं एंड मेरे को लेना है राइनॉक्स का ही जैकेट. तो मैं वही देख रहा हूँ अभी मैं ऑनलाइन से भी ले सकता हूँ या तो फिर मैं गाइस कोलकाता वगैरह अगर जाता हूँ सो उधर से भी मैं परचेस कर सकता हूँ. लेट्स सी क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा. फिलहाल के लिए गाइस आप लोग थोड़ा सा रोड का एंजॉय लीजिए. मैं आप लोग से थोड़ा सा आगे मिलता हूँ. चलो ओके गाइस, तो आके पहुंच चुका हूँ रोहिणी मोड़ पर. एंड क्या है कि गाइस अगर आप लोग इधर से राइट के ओर चला जाते हो तो आप लोग पहुंच जाओगे कर्शियंग दार्जिलिंग का तरफ. जो कि मैं लास्ट संडे जब इधर पे आया था तो मैं कर्शियंग गया था डाउहिल पर. तो गाइस वो वाला व्लॉग भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो. एंड मैंने ये वाला चीज़ फाइनलाइज किया कि मैं अभी जाऊँगा मिरिक का तरफ. एंड बाकी जो है गाइस पहले मैं एक मिरिक का व्लॉग तो ऑलरेडी बना चुका हूँ. सो मैंने कुछ दिन से सोच रहा था ये बात कि निकलेंगे कहीं. इधर का जो नज़ारा है ना गाइस ये भी काफ़ी अच्छा है. देखो ये हिल्स एंड ये जो इंटायर जो पूरा व्यू है रोड जो है ना ये भी काफ़ी अच्छा है. एंड ये रोड होकर भी आप लोग कर्शियंग को कनेक्ट कर पाओगे जो कि आप पंखावाड़ी होके फिर आप कर्शियंग उठ पाओगे. ऐसा एक रोड है इधर से. सो देखते हैं कभी व्लॉग बना दूंगा इस रोड का भी. एंड बाकी गाइस ये वाला जो इंटायर व्यू है इसका आप लोग एक व्यू देखो कितना सही लग रहा है. बाकी ये जगह भी काफ़ी अच्छा है. सामने वाला नज़ारा देखो गाइस. सो टाइम अपडेट इज 12:30. रिफ्यूल वगैरह सब कुछ तो हो ही चुका है. अभी एकदम चलेंगे मिरिक एंड फिर उधर जाएंगे अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे. रोड पे क्या होता है वो भी तो गाइस शेयर करना है आप लोग से. तो गाइस ये वाला जो मोड़ है ना इधर से अगर आप लोग लेफ्ट के ओर ले लोगे तो आप लोग पहुँच जाओगे दुधिया मिरिक. एंड अगर आप लोग स्ट्रेट निकल जाओगे तो गाइस आप लोग पहुँच जाओगे पंखावाड़ी. एंड इधर से जो है आप लोग फिर कर्शियंग कनेक्ट हो पाओगे. तो कर्शियंग जाने का गाइस दो रोड तो इधर पे ही दिख गया हम लोग को. सो और क्या गाइस आप लोग थोड़ा सा ये रोड को एंजॉय करो. मैं आप लोग से मिलता हूँ आगे. एंड और एक बात है कि गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना. रिसेंट अपडेट रील्स एंड पोस्ट उधर पर अच्छा चलता है. एंड अगर आप लोग का कुछ भी बात वगैरह रहता है तो आप लोग मेरे को DM कर सकते हो. सो एन्जॉय द रोड.
तो गाइस आके पहुंच चुका हूँ दुधिया बाज़ार, एंड थोड़ा सा पीछे से एक व्यू आ रहा था पूरा एंटायर दुधिया का। सो इतना अच्छा लग रहा था वो वाला नज़ारा। एंड और एक बात क्या है कि गाइस ऊपर से अभी जो है दुर्गा पूजा आने को ही है, तो उसी के लिए काश फूल जो सब होता है वाइट वाइट जो काश फूल होता है देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो बहुत ज़्यादा मेरे को दिखा, देखो गाइस आई होप कि आप लोग को दिखाई दे, वो रहा वो साइड पे पूरा भरती है एकदम। तो ये जो काशफुल सब है इसके लिए और भी अच्छा लग रहा है ये व्यू देखने में। एंड मिरिक इज 24। तो गाइस ये जो ब्रिज है ये वन वे है, आई मीन एक साइड से आएगा एंड एक साइड से जाएगा। समझ लो कि अभी हम लोग जैसे जा रहे हैं तो हम लोग ही बस जा रहे हैं, उधर का जो आदमी लोग है उधर पे रुका हुआ है, एंड फिर हम लोग जब इधर से निकल जाएंगे फिर जाके जो है वो लोग आएगा। एंड गाइस लुक एट द व्यू मैन, इट्स अमेजिंग। एंड कसम से यार मेरे को ये सब जो लोडेड ट्रक वगैरह होता है ना इसका पीछे रहने में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि जैसे ये लोग कैरी कर रहा है ना, तो बहुत कोई क्या करता है कि जो प्लास्टिक होता है अच्छा क्वालिटी वाला प्लास्टिक जो बारिश में काम आता है उससे जो अच्छा से इसको पैक कर लेता है। क्या ही बताओ, लास्ट संडे राइट को जो हुआ मेरे साथ उसी के रिगार्डिंग मैं एक बात कह रहा हूँ कि हिल्स पर तो गाइज आप लोग एक डिस्टेंस मेनटेन करके चलना। एंड ऊपर से और एक बात क्या है कि गाइस कि देखो जैसे ये उस दिन जैसा अगर बैग आ जाता ना तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाता। तो इसी के लिए हिल्स पे ऑलवेज ये जो हैवी व्हीकल्स वगैरह रहता है, पिकअप वैन्स वगैरह, बसेस वगैरह जो चढ़ता है हिल्स पे, इन सब से थोड़ा कुछ डिस्टेंस दूरी करने से हम लोग का ही अच्छा है, हम लोग जैसा राइडर का अच्छा है। सो यस चलो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस देखो ये वाला जो पार्ट है ये देखो सनलाइट से पूरा चमक रहा है, एंड कुछ कुछ जो पार्ट है वो देखो डार्क है। एंड रोड कुछ कुछ जगह पे अच्छा है, एंड बीच बीच पे कहीं कहीं पे ख़राब भी मिल रहा है, बट हाँ चलेगा, उतना भी गंदा कंडीशन नहीं है रोड का, चल जाएगा। एंड मिरिक इज 17। एंड ऑलवेज गाइज एक चीज़ याद रखना, जैसे कि जो सब ब्लाइंड कॉर्नर सब है ना उस पर हॉर्न जरूर से दिया कीजिए, कॉज क्या पता कौन सामने से आ रहा होगा। एंड कौशियन का जो रोड है ना गाइज, कौशियन का रोड आई थिंक इससे थोड़ा सा बड़ा है, मेन थोड़ा सा इससे ज़्यादा चौड़ा है, बट ये जो रोड है ना गाइस ये छोटा भी है एंड पैचेस बहुत ज़्यादा है इस पर, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाना पड़ रहा है, बट यस इन्जॉइंग। वाओ क्या व्यू है यार, अमेजिंग मैन।
देख रहे हो गाइस, ये नज़ारा सब आप लोग देख रहे हो, कितना सही लग रहा है। स्काई टचिंग माउंटेन्स, मतलब हिल्स जो है ना यार, क्लाउड्स को टच कर रहा है। देखो, है ना बढ़िया। एंड अब तो थोड़ा बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा है। एंड यार, सिलीगुड़ी पे इतना गर्मी रह रहा था ना लास्ट कुछ दिन से, एंड बारिश वगैरह भी नहीं हो रहा था, तो इसी के लिए नीचे का जो वेदर था बहुत ज़्यादा गर्म था। इधर पे धूप वगैरह सब कुछ है, बट एक ठंडा सा महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिरिक इज 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। बढ़ते आगे, राइड करके बहुत मज़ा भी आ रहा है गाइस। एंड कुछ कुछ जगह पे रोड ख़राब है थोड़ा बहुत। एंड ये एक मार्केट सा एरिया था, पता नहीं कि क्या नेम था इस जगह का, किसी को अगर पता है गाइस, वीडियो जो लोग देख रहे हो तो कमेंट डाउन कर देना। बाकी गाइस, इधर का नज़ारा अमेजिंग। एंड गाइस, वो सामने का जो हिल्स है उसका नज़ारा आप लोग थोड़ा सा देखो, पाइन ट्री सब जो है ऐसे लाइन वाइज करके दिख रहा है। एंड ये व्यू भी गाइस काफ़ी सही है। देखो यार, क्या नज़ारा है यार, क्लाउड सब जो है ऐसे ऐसे पासेस हो रहा है मैन। एंड ऊपर से बाइक तो यार काफ़ी मस्त चल रहा है। माय गॉड, क्लाउड सब जो है ना पास हो रहा है, इतना जल्दी दिख रहा है एकदम यार। ओह माय गॉड, ये वाला दृश्य आप लोगों को दिख रहा है गाइस, स्काई टचिंग मैन। तो गाइस, ये जो टी गार्डन है, ये फुगुरी टी गार्डन जो कि लिखा हुआ था वो साइन बोर्ड पर, फुगुरी टी स्टेट। तो गाइस, आके पहुंच चुके हो आई लव मिरिक, एंड ये रहा टॉय ट्रेन रेस्टोरेंट। मैं इधर पे भी नहीं रुकूंगा, अभी चलते सीधा मिरिक। एंड ये देखो, काशफुल, दुर्गा पूजा का टाइम ये देखने को मिलता है हम लोग को। एंड ये काशफुल देख के इतना अच्छा फील होता है ना यार, मतलब एक अलग सा ही वाइब क्रिएट होता है। ओ माय गॉड, क्या सीन है। देखो गाइस, देखो क्लाउड सबको देखो। एंड वो टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाया था, ये ही जो पाइन ट्री सब है ये ऐसे लाइन वाइज करके जो है खड़ा हुआ है। ये जो प्लेस है, ये मार्केट एरिया जो है, ये है सोरेनी बाज़ार। एंड इधर पे तो यार अच्छा खासा ठंड है। ये वाला रोड का कंडीशन तो यार ख़राब। रोड का साइड पे जो नर्सरी सब मेरे को देखने को मिल रहा है ना गाइज, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब रोड का ये जो ब्यूटी है इसको और भी इंक्रीज कर दे रहा है ये सब चीज़। इधर पे बारिश वगैरह हुआ है क्या, पाइन ट्री से भरा हुआ ये जो पूरा इंटायर ये जो जगह है ये पूरा पाइन ट्री से भरा हुआ है। इधर का रोड जो सब है ये भीगा हुआ है इधर पे,
वाओ, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा मिल रहा है आज देखने को। देखो यार ये पाइन फॉरेस्ट को तो देखो गाइज, आप लोग देख रहे हो गाइज, ये वाला व्यू के लिए तो एक लाइक बनता है। ये रहा मिरिक का टैक्सी स्टॉपेज, जहाँ से आप लोग को सिलीगुड़ी वगैरह जाने का, NGP जाने का टैक्सी वगैरह मिल जाएगा। एंड मिरिक हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं, तो सामने पे ये जो मार्केट मिलेगा वो रहेगा मिरिक का मार्केट, एंड उसके आगे जाके लेक ये सब रहेगा। तो गाइस मिरिक पे तो आके पहुँच चुका हूँ, अभी एक काम करते हैं, अभी कहीं पे रुकना पड़ेगा, रुक के कुछ खाना भी पड़ेगा। तो गाइस और क्या, कहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आज का ब्लॉग देख के आप लोग को पसंद आया होगा, एंड मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है गाइस, आप लोग जब क्वेश्चन जाते हो तो क्वेश्चन का जो रूट है वो थोड़ा बहुत वाइड मिलता है हम लोग को, हालांकि हिल्सी है, बट मिरिक जब आप लोग जाते हो ना तो आप लोग को ये डिफरेंस जो समझ में आ जाएगा कि मिरिक का जो रूट है वैसे ये राउंड ऐसे घूमते घूमते ऊपर तक चलता है, तो उसी के लिए थोड़ा ये जो रूट है मिरिक वाला रूट थोड़ा सा टफ है, एंड रूट का बीच पे कुछ कुछ जगह पे पोर्टल्स वगैरह है, कुछ कुछ जगह पे रूट्स खराब भी है, सो ये सब देख के आप लोग को राइड करना पड़ता है। एंड यही बात है कि रूट भी जो है वो उतना भी वाइड नहीं है मिरिक जाने का रूट, सो कुछ कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे कुछ गार्ड बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत रिस्की बोल सकते हो आप लोग। एंड मेरा तो वैसा कुछ दिक्कत हुआ नहीं, मैं पहले भी मिरिक जा चुका हूँ, एंड वैसे बाकी का जो सफ़र था वो तो आप लोग ने देख ही लिया होगा। आप लोग का कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो हैंडल है ऑयशिप ब्लॉग अंडरस्कोर, जो कि डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रहेगा लिंक, तो जाओ जाके फॉलो कर लेना। एंड यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वीडियो में जो एफर्ट लगता है, सो एक लाइक जब आप लोग करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट फील होता है, सो ऑलवेज डू प्रेस द लाइक बटन। अगर कुछ वीडियो में कमी था तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से ज़रूर बताएं। एंड और एक जो बात है गाइस कि दुर्गा पूजा बस आने को ही है, तो ट्राई करूँगा कि ब्लॉग अपलोड करता रहूँ। ओके गाइस, सो यही था आज का ब्लॉग पे, एंड आने के टाइम पे मेरा GoPro का जो बैटरी था उस पर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत दे रहा था, सो इसी के लिए मैं आने का टाइम ब्लॉग नहीं कर पाया। सो आई होप कि आज का वीडियो देख के आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइडर एट सिस्टी से सावधान रहो, बाय, टेक केयर। चलो जी यार गाइस, मिलते अपना कोई और एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.